हेलो हेलो हाय हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और एक नए दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। आज हम जो है ऊटी की साइट सीन करने निकलेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा निकल जाएंगे ऊटी की साइट सीन के लिए। तो इस ब्लॉग में बने रहिए, कहीं मत जाइए। ब्रेकफास्ट हो चुका है, नीचे ड्राइवर आ भी चुका है। फटाफट अभी सब कुछ खत्म करके निकलना है। गाइज, ये वही स्पॉट है जहाँ रोजा फिल्म में किडनैपिंग वाला जो सीन है वो शूट हुआ था यहाँ पे। तो गाइज, अभी मैं जिस स्पॉट में पहुँच गया हूँ, इस स्पॉट का नाम है पाइन फॉरेस्ट। पीछे आपको जो है पूरा पाइन ट्रीज आपको दिख रहा होगा। ये वही स्पॉट है, यहाँ पे बहुत सारे मूवीज की शूटिंग वगैरह इस स्पॉट में हुई है। नीचे में अगर सीधा जाने से लेट भी है, उतरने में तो ये बहुत ज़्यादा स्लोप में, चढ़ने में जान निकल जाएगा। हाँ, जब नीचे हम उतर गए, पीछे में लेक आपको दिख रहा होगा। वो ऊपर पे अभी चढ़ते हुए हम लोग जाना होगा। अभी से सांस फूल गया मेरा। ब्रेकफास्ट जो भी किए सब हजम हो जाएगा। अभी आधे रास्ते तक मैं भी तो ठीक हूँ, पर मम्मी का सांस फूल गया है इसलिए थोड़े बैठने बोला है। आराम कर लो थोड़ा, तुम कर लो। रोजा जो फिल्म बनी थी उसमें जो इंडिया और पाकिस्तान वाला जो सीन दिखाया गया था वो जो है इस तरफ इंडिया है और उस तरफ जो है, उस तरफ जो सीधे में आपको दिख रहा होगा वो पाकिस्तान है। ऊटी में पाकिस्तान कैसे आ गया ये आप सोच रहे होंगे। जी मैम, मैं अभी पाकिस्तान में खड़ा हूँ, पर ये पाकिस्तानी ही ऊटी है। पीछे में आपको जो ये सीन दिख रहा है, ये बहुत सारे मतलब जो रोजा मूवी बनी थी उसमें उसके हिसाब से ये पाकिस्तान था, क्योंकि ये कामराजा नगर का जो इस तरफ वाला हिस्सा है, जो कि अभी मैंने पहले आपके जो शॉट में दिखा है, तो जो कि वो पाकिस्तान है और इस तरफ इंडिया। तो मैं अभी पाकिस्तान में खड़ा हुआ हूँ। शूटिंग स्पॉट है, इसका नाम है ट्री पार्क शूटिंग स्पॉट। यहाँ पे मैं इसके पहले एक बार आया था जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। उस समय कॉलेज ट्रिप के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, तब उसमें घोड़ा अंदर भी आता था और यहाँ पे मैंने एक फ़ोटो भी ली थी। क्लाइमेट तो यहाँ बहुत अच्छा है। दिन के टाइम में यहाँ पे जो है स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप भी है, पर स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट शाम के टाइम में बहुत ज़रूरत है स्वेटर की। पीछे जो ये स्पॉट है, ये वही स्पॉट है जहाँ मैं राजा हिंदुस्तानी मूवी और भी बहुत सारे मूवी की शूटिंग हुई है। यहाँ पे बहुत हाइट पे है जो स्पॉट, ये स्पॉट जो है आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा। शूटिंग के लिए शूटिंग हुई है बहुत सारी मूवी की यहाँ पे।
गाइस मैं पहुंच चुका हूँ पाइकारा बोट हाउस में। मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये है लेक जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। यहाँ से बेसिकली जो है ये लेक है, यहाँ से बोटिंग होती है, पाइकारा लेक है ये। जो है बोट की टिकट ले चुकी है बोटिंग के लिए। यहाँ पे है जो है 8 लोग या फिर 10 लोगों को ही अलाउ करते हैं एक ही टाइम में। तो 8 लोगों का अगर बोट आप लेते हो तो 815 रुपये आएंगे। किसी से शेयर कर लेते तो अच्छा है। हम लोग 3 लोग थे, हम लोग और 5 लोग मिल गए यहाँ पे, तो हम लोगों ने शेयर कर लिया। तो पर हेड हम लोग को 100 रुपये तक पड़ा। तो हम लोग बोटिंग के लिए बैठ चुके हैं। तो गाइज़ अभी मैं जा रहा हूँ पाइकारा फॉल्स। ये जो है मेन रोड से लगभग 700 मीटर के डिस्टेंस में पड़ता है, थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा इसके लिए। गणपति का मंदिर भी है यहाँ पे। ये हम पहुँच गए हैं पाइकारा फॉल्स में। फॉल्स है थोड़ा दूर है, इसलिए अगर कोई बुज़ुर्ग आदमी या फिर हैंडीकैप आदमी है तो उनके लिए बैटरी ऑपरेटेड कार भी आपको मेन रोड से मिल जाएगा अंदर के लिए। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ टी फैक्ट्री में। मेरे पीछे जो आपको ये ऊपर में दिख रहा है ये है टी फैक्ट्री। चलिए चलते हैं। गाइस अभी मैं टी फैक्ट्री के अंदर में हूँ और ये सारा प्रोसेस चल रहा है चाय बनने का। फाइनली आप देख सकते हैं चाय पत्ती बन के गिर रही है, अभी रेडी हो चुका है चाय। यहाँ पे जो चाय पत्ती है वो रिफाइन हो रही है। यहाँ से पैकेजिंग के लिए जा रहा है चाय पत्ती। यहाँ पे जो है जब लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री चाय जो है वो दिया जाता है टेस्ट के लिए। उसके बाद अगर आपको चाय पसंद है तो आप खरीद सकते हैं चाय। टेस्ट कैसे आ जाएगा? अच्छा है वो, ओके है, अच्छा है। सोच रहे हम भी एक पैकेट चाय का खरीदेंगे। अभी हम जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री में। अभी जो हम लोग डोडा पेटा पहुंच चुके हैं, तमिलनाडु का सबसे हाईएस्ट पीक है।
यहाँ पे जो एंट्री टिकट का चार्जेस है वो 10 रुपये है एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए, और वीडियो कैमरा के लिए 60 रुपये आपको पे करनी होगी, और स्टिल कैमरा के लिए 15 रुपये। तो गाइज आज का जो साइट सीन ट्रिप है वो ख़त्म हो चुका, बहुत ही थकावपूर्ण ट्रिप था बट मज़ा आया हम लोगों को। अभी होटल में पहुंच गए हैं, तो इस व्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, मेरे तरफ से जितना हुआ मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं आता हूँ कुछ नए व्लॉग के साथ। So as always, eat healthy, stay healthy and stay awesome and do watch my channel and click away with Kunal.